यहाँ पर देखो रॉकी को लटका कर रखा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़ा है, लेकिन जैसे ही रॉकी मुंह खोलता है फिर देखो ये सभी डर के पीछे जा रहा है। क्यों? यहाँ पर देखो रॉकी इसको चाकू मार रहा है, लेकिन ये चाकू कैसे बैंड हो रहा है भाई? ये चाकू तो रॉबर्ट से बना है शायद। फिर से देखो इसको जब चाकू मारता है तब देखो ये फिर से बैंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये बिक गई है, कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना। यहाँ पर इस खोचू को देखो, इसको तो कुछ करा ही नहीं, इसके हाथ से सिर्फ ये लोहे के रॉड छीना तो ये पहले से ही चिघ रहा है। क्या है, एक गुंडे है क्या? नहीं। रॉकी यहाँ से लोहे के रॉड उठाकर इसके माथे पर मारता है, लेकिन इसके माथे पर तो कुछ लगा ही नहीं। फिर भी घोंचू को देखो, और ये लोहे के रॉड है, ये तो बैंड हो रहा है, हमको लगता है पाइप है। वाह भाई वाह। जैसे यहाँ पर देखो रॉकी भाई जब इसके हाथ में मारता है ये रॉड टूट जाता है। ये रॉड कैसे टूट सकता है? फिर से जब इस बंदे के पैर में मारता है रॉड फिर से टूट जाता है। क्या हो रहा है? ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ पर देखो ये बॉक्स पर तो मिट्टी है, मिट्टी लगा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बॉक्स पर मिट्टी क्या कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है बॉक्स? फिर देखो इस घोंचू को तो रॉकी का मुक्का लगा ही नहीं, फिर भी ये उड़ कर गिरता है। क्यों? ये क्या भाई, रॉकी के डर से चड्डी लाल हो गया क्या? कोई माफ करना, मैं तो उधर निकल जाता। रॉकी के दोनों हाथ में जो सिकल था वो अचानक गायब हो जाता है, और हाथ में और मुंह में जो खून लगा हुआ दिख रहा था वो अचानक साफ हो जाता है। यहाँ पर जैकेट नहीं था, लेकिन अगले सीन में जैकेट आ जाता है। ये बिक गई है, कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना। यहाँ पर देखो आग के पास में दो आदमी बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होते ही वो दो आदमी गायब हो जाता है। यहाँ पर इसको सिर्फ पकड़ा और ए तो ए पैसे निकल कर फेंक दिया। क्यों? उठा ले, जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा। यहाँ पर देखो इसको जो बॉक्स दिया है इसके ऊपर 07 लिखा हुआ है, लेकिन अगले सीन पर देखो यहाँ पर तो 09 लिखा हुआ है। तो ये कैसे चेंज हुआ भाई? सभी के पास लॉक है, सिर्फ इसके पास कोई नहीं खड़ा है। क्यों? और ये तो माथे को नीचे करके जूता पॉलिश कर रहा था, तो इसको कैसे पता चला यही सेट्टी भाई की गाड़ी जा रहा है? किसी और की भी गाड़ी जा सकता है। यहाँ पर देखो रॉकी खड़ा करता है हाथ और कुछ बोला नहीं, तो ये बच्चे पीछे मुड़कर देख रहा है कि उसके पीछे तो मुगले हसन का पोस्टर दिखा रहा है, लेकिन ये मूवी तो ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज हुए थे, इसका पोस्टर भी ब्लैक एंड व्हाइट थे। यहाँ पर तो कलरिंग पोस्टर दिखा रहा है। क्यों? यहाँ पर देखो गुलाबो आंटी खड़ा है, लेकिन अगले सीन पर देखो यहाँ पर से वही आंटी गायब हो जाता है। माफ करना, मैं तो उधर निकल जाता। इसको तो पुलिस वाले ने कुत्ते की तरह धुआ है, फिर भी ये जिंदा है और मुंह खोलता है। क्या चाहिए बे तेरे को? सब्सक्राइबर, उसके साथ घंटा भी दबाना चाहिए, और क्या, वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए। इस यहाँ पर देखो एक कार जब आ रहा था तब इसके चारों लाइट जल रहा है, लेकिन अगले सीन पर देखो इसके एक लाइट बंद है और तीन लाइट जल रहा है। फिर अगले सीन पर देखो ये चारों लाइट जलने लग जाता है। कैसे भाई? यहाँ पर ये लड़की रोड ब्लॉक करके दारू पी रहा है, तो पुलिस कहाँ गया भाई? दोस्तों कई जैसे ऑफर रहता है बाई वन गेट वन फ्री, ऐसे ही रॉकी भाई ने तो यह बंदे के साथ एक बंदे फ्री दे दिया। मतलब यहाँ पर देखो एक बंदे को मारता है, लेकिन दोनों बंदे उड़कर गिरता है। बाबा ये रॉकी भाई ने एक चेन लेकर ऐसे आ रहा है जैसे गले में मंगलसूत्र डालने आ रहा है, और एक घोंचू का हाथ तोड़ देता है। फिर देखो ये हाथ लेकर क्या कर रहा है, बाल ठीक कर रहा है। वाह भाई वाह, क्या सोच है। और एक घोंचू के तो दूसरे वाले हाथ ठीक है, तो बार करना चाहिए ना। ये बंदे दरवाजे पर नक कर रहा है, और रॉकी तो बाथरूम पर नहा रहा है और बालों पर शैम्पू लगा होता है, और उसी टाइम एक घोंचू आगे चला जाता है और रॉकी आकर रीना को अंदर खींचता है। लेकिन रॉकी 2 सेकंड पहले इसके बालों पर तो शैम्पू लगा हुआ था, तो इतने जल्दी कैसे आ गया? और इतने जल्दी भी इसके दाढ़ी भी सूख जाता है, कैसे भाई? और बालों पर कंघी भी लगा देता है, कैसे भाई? और रीना के साथ इतने बंदे आया है तो सभी मिलकर दर्जे तोड़ नहीं पाया, और दया एक लाद में दर्जा तोड़ देता है, तो एक घोंचू लोग दर्जा को ठुक रहा है। वाह भाई वाह, इन लोगों को किसने गुंडा बनाया है? इस लड़की का पाव गिर जाता है, और हमारे हीरो इस पाव को उठाने के लिए रास्ते के बीच में गाड़ी खड़ा कर देता है और सब लोग को रुकने के लिए गान दिखाता है। अरे हीरो साहब, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, एक पाव खरीद कर दे देते। बाबा रे बाबा रे बाबा।
था, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला, देव मानुष निकला। इस लड़की सिर्फ रॉकी को भाव दे रही, क्यों? ये तो पहली बार मिला है। ये क्या सिर्फ 2 सेकंड में ड्रेस चेंज हो गया? बाबा इस मूवी तो सभी काम ऊपर फास्ट हो रहा है। नीचे से हाथ को लेकर नाक के पास लेकर सूंघ कर बोल रहा है, ये पेट्रोल है। वाह भाई वाह, पेट्रोल की गंध तो ऐसे ही पता चल जाता है। फिर देखो ये रॉकी सिगरेट जला रहा है, फिर भी यहाँ पर आग नहीं लगता है। वाह भाई वाह, इस बंदे को देखो, ये सिर्फ आधे मिनट में एक गन असेंबल कर दिया। वाह वाह, इसको तो मूवी में काम करना नहीं चाहिए, इसको MI6 में काम करना चाहिए। यहाँ पर देखो एक घोंचू बहुत ही मेहनत से एक गन असेंबल किया, फिर भी एक गन मिट्टी में गिर जाता है। फिर देखो रॉकी के पास तो और एक गन आ जाता है, कैसे एक गन आया भाई? इस अंकल की बात सुनो, तुम्हारे हाथ की घाव बोल रहा है तुम बाहर क्या काम करते हो। बाबा मतलब किसी की भी हाथ देखकर बोल लेगा क्या काम करता है, तो जॉनी सिंस का हाथ देखकर क्या बोलेगा? यहाँ इतना अंधेरा है, फिर भी ये अंकल रॉकी के हाथ का घाव दिख रहा है, कैसे? रॉकी अपने शरीर में गीली मिट्टी लगाता है, लेकिन अगले सीन पे ये मिट्टी सूख जाता है, कैसे? यहाँ पर रस्सी काटा हुआ दिख रहा है, और कैमरा एंगल चेंज होते ही काटा हुआ रस्सी गायब हो जाता है। यहाँ पर देखो रॉकी भाई को इस एक गन के नाम पता नहीं है, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चे को गन के नाम पूछो तो गन के नाम छोड़ो उसके रेंज क्या है, मतलब सब कुछ डिटेल में बता देगा। पबजी की जाए। यहाँ पर देखो रॉकी बाहर बैठा है, फिर भी ये सभी गोली चला रहा है, लेकिन रॉकी जब अंदर आया तब किसी ने एक भी गोली नहीं चलाया, क्यों? यहाँ पर देखो ये अंकल पानी पी रहा है, लेकिन अगले सीन पर देखो एक ग्लास पे उतनी ही पानी है, तो अंकल क्या पिया? यहाँ पर देखो रॉकी ने इसको लात मारा और ये लकड़ी में लगा, फिर देखो ये लकड़ी इस बंदे के आर पार हो जाता है, कैसे? लेकिन दोस्तों गौर से देखो तो ये लकड़ी इतनी भी नुकीली नहीं है, तो एक कैसे आर पार हो गया है, और ये लकड़ी तो पहले ऐसे था लेकिन बाद में ये नुकीली हो जाता है, कैसे? ये बिक गई है, कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना। अरे ये कोई बाहुबली और एवेंजर मूवी नहीं है जो उठा कर पटक दिया फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? यहाँ पर देखो इस गाड़ी पर तो कोई बैठा हुआ नहीं है, तो फिर भी ये अधीरा कैसे मरता है भाई? अरे रॉकी तो स्लो स्लो जा रहा है, फिर भी एक घोंचू गोली मार नहीं पा रहा है, ये साइड पर गोली चल रहा है, लगता है इसको पबजी गेम खेलकर एम प्रैक्टिस करना चाहिए। रॉकी यहाँ है और तरवाल यहाँ है, तो रॉकी यहाँ से तरवाल कैसे लिया है? और दोस्तों गौर से देखो ये तरवाल तो यहाँ तक आया, तो कैसे इसका गला कटा? ये बात तो हमको समझ नहीं आया, आपको समझ आए तो कमेंट में लिख दो। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई लाइक दिस मूवी, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।